के विधायक जी एन वक्त पे नहीं पहुंच पाते हैं। आज ये मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, दुख की घड़ी में हम लोग आए जी, दुख की बात। तो सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड सर, तो पैसे से तो कोई काम नहीं चलेगा सर, वक्त पे आप नहीं पहुंच पाएंगे सर, तो ऐसा कैसे चलेगा? यानी पूछना चाहिए आज इस बात नहीं, नहीं मंत्री जब भी कुछ इस तरह का होता है तो इस तरह का गोदी मीडिया वाला स्टाइल मत जी। आप किस सवाल का जवाब चाहते हैं? आप किस सवाल का जवाब चाहते हैं? हमने जो पूछा है सर, नहीं आपने पूछा जी। पार्टी जी क्या कहना चाहेंगे आज जो ये घटना हुआ है और आप आए हैं हॉस्पिटल के अंदर गए थे, क्या कुछ जानकारी मिली? कल जो घटना हुई ये बहुत ही दुखद घटना है, ये घटना कल जो हुई बहुत ही दुखद घटना है। और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एकदम निर्देश है कि आपदा की घड़ी कहीं भी होती है खजाने का पहला हक आपदा वालों का होगा। इस स्थिति में 4-4 लाख रुपया मुआवजा जो भी मृतक है उनको 4-4 लाख रुपया मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगा, और जो भी जितने भी पीड़ित हैं जितना भी इलाज पे खर्च आए तो सारे राज्य सरकार करेगी। और श्रम विभाग को भी हम लोगों ने उसको भेजा था, श्रम विभाग से ये मजदूर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी आकलन हो रहा, उससे भी हम लोग मदद दिलाने का। तो श्रम संस्थान विभाग ने तो ऐलान कर दिया कि 1 लाख रुपया देंगे मृतक परिजनों का, लेकिन सर आपका प्रधानमंत्री भी 2-2 लाख का कर दिया ना, लेकिन आपका बिहार सरकार 4 लाख दे रही है। बिहार सरकार 4 लाख रुपया दे रही है सर, क्यों ज़्यादा होना चाहिए? उनको तो 10 लाख मिलना चाहिए। प्रावधान है, जो भी प्रावधान है प्रावधान के तहत कार्य हो रहा है। तो जिनका चिमनी है उनको भी दिया जाएगा, उनको भी काफ़ी क्षति हुई है निश्चित, उनके साथ घटना हुई है। एक चीज बताइए, सुनिए बोले नहीं। हाँ एक तो यहाँ पे खासतौर से आरजेडी की बात करें तो उनको यहाँ पे सीट दी नहीं जाती, और जहाँ पे सीट दी भी गई है और जनता ने समर्थन दिया है तो वहाँ के विधायक भी एन वक्त पे नहीं पहुँच पाते हैं। आज ये मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, दुख की घड़ी में हम लोग आए जी, दुख की बात। तो सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड सर, तो पैसे से तो कोई काम नहीं चलेगा सर, वक्त पे आप नहीं पहुँच पाएंगे सर, तो ऐसा कैसे चलेगा? यानी पूछना चाहिए आज इस बात नहीं, नहीं मंत्री जब भी कुछ इस तरह का होता है तो नहीं आ पाते हैं ना। जवाब चाहते इस तरह का गोदी मीडिया वाला स्टाइल मत जी। आप किस सवाल का जवाब चाहते हैं? आप किस सवाल का जवाब चाहते हैं? हमने जो पूछा है सर, नहीं आपने पूछा जी पार्टी पर, जबकि इतनी दुख हृदय विदारक घटनाएं घटी है रक्सौल ये बगल के जगहों पर दमगढ़वा में जी, तो आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, फिर भी विधायक जी को आने में 2 दिन लग गए। हम लोग का मनावता के नाते पहले इस पर चर्चा कर, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, हम तो आपसे आग्रह हाथ जोड़ के कहेंगे कि पहले अभी जो मरीज दुख के घड़ी में जो उनकी हालत है, अभी डॉक्टर बोले कि खून के अभाव में उसकी ऑपरेशन नहीं हुई, तो आपकी और हमारी जवाबदेही हमारे खास करके मीडिया के साथी का जिम्मेदारी बनता है कि कैसे हम लोग उसको स्टेबल करें, कैसे वह बच जाए, उस विषय पर राजनीति तो होता रहेगा। विधानसभा के विधायक दिया जाते हैं, रक्सौल विधानसभा के विधायक दिया जाते हैं, बगल से मंत्री दिया जाते हैं, सांसद दिया जाते हैं दिल्ली से, लेकिन पटना से कैसे नहीं आ पाए विधायक? बेटर देन गोल्ड, आपके पैसे की क्या कीमत रहेगी जरा, जब आप आपकी सहानुभूति, आप क्या विषय जानना, किस पर सवाल चाहते हैं? मतलब यहाँ पे शहीद हुए सिंहासन में, उस वक्त आपके विधायक जी एन वक्त में मौजूद नहीं थे, दूसरी वक्त जब यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे सांसद कौन, हमारे सुगोली विधायक, सुगोली विधायक शशि भूषण सर अभी तो मौजूद है। अरे अभी घटना का कितना सर, 24 घंटा पार, कितने घंटे बाद घटना के, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, जैसे पता चला भाग करके आए, वहाँ से श्रम कर जाले कहे मंत्री जी के साथ लगे हुए हैं। ये बिल्कुल, ये मतलब इस चीज को छुपाया नहीं जा सकता कि हमारे यहाँ सुगोली विधानसभा के जो विधायक जी हैं काफी व्यस्त आदमी हैं, जो कि घटना के 4 से 5 घंटे के अंदर में प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है कि रामगढ़वा के नरेंद्रगिर में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक जी की इसकी कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, सवाल पर्सनल उनसे करिए, उम्मीद भाग नहीं रहे, उम्मीद तमाम जनता लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो शायद अगर अकल से काम लेते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे, अगर इतनी भी शर्म होगी तो। धन्यवाद धन्यवाद।